कंचन जी, आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू कंचन, हमसे शादी करेंगी। बस करो, क्या ये सब? इसमें गलत क्या है? अब तो हम क्या हम? मेरा जवाब है नहीं। कंचन, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या तू नहीं चाहती उसे? खुश रहा कर बेटा, ये तो तेरे हंसने खेलने के दिन है। देख मेरी तरफ, देख ना, कह दिया तो आंखों में आंसू क्यों है? बेटा मैं तेरी माँ जैसी हूँ और सहेली भी हूँ, मुझे तो पता दे। दिल की बातें जल्दी समझ नहीं आती, और जब आएंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत। देख बेटा, आंखों के आगे जब बादल आए और कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो तो सिर्फ दिल की बात सुननी चाहिए, रास्ता खुद ब खुद नजर आएगा, समझी? मेरी बच्ची ना। जल्दी वापस आना। का फोन तो अभी भी नहीं लग रहा है। पता नहीं, उनका फोन तो कभी स्विच ऑफ ही नहीं रहता है। मामला पूरी तरह से जम चुका है। अब आ जाइए विशेष। माँ, भाई आ गए। भाई कहाँ रह गए थे आप? विशेष, इतनी देर से कहाँ थे आप? आपका फोन भी नहीं लग रहा है। देखिए तो सब लोग आ चुके हैं। आइए आइए दूल्हे साहब, कहीं घबरा कर इरादा तो नहीं बदल दिया? देखिए जी, रोका तो अब नहीं रुकने वाला। रोका? मैं आखिरी बार बोल रही हूं, नो, मेरा जवाब है नहीं। चलिए। कंचन जी ने तो साफ इनकार कर दिया, तो फिर बाकी बातें होती रहेंगी। मुहूर्त निकला जा रहा है, रोके की रस्म पूरी कर लें। जी आइए, चलिए आइए बेटा। Oh
दिखाई देता तुम्हें कि यहाँ कोई हम नहीं है। क्यों नहीं दिखता तुम्हें कि मेरे मन में ऐसा नहीं? मेरा जवाब है नहीं। खुश रहिए। शिवांगी, तो बोलती अभी से ही बंद हो गई। शादी के बाद क्या हाल होगा? कंग्रेचुलेशन विशेष, आज से आपके साथ हमारा एक रिश्ता और जुड़ गया। भाई पता है, शिवांगी को भाई साहब ने सिर्फ इस रोके के लिए फ्लाई डाउन करवाया है। क्यों नहीं बुलाते? ये रिश्ता हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है विशेष, आप हमें यहाँ ऐसे क्यों लेकर आए हैं? वहाँ ये शिवांगी यहाँ क्या कर रही है? मतलब अब रोके के लिए शिवांगी का आना जरूरी था ना? पर आपको कैसे? देखिए, लड़की हमें बहुत पसंद है, अगर आपकी भी हाँ है तो बात आगे बढ़ाए। बधाई हो, आपका रोका परसों के लिए तय हुआ है। रोका? और हाँ, मैं आपकी माता जी से भी मिल ली हूँ, और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस जल्दी वापस आ जाइए। क्या बात है विशेष, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बात क्या है? माँ, हम समझे कि क्या क्या लगा था आपको, बोलिए ना। माँ, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप हमारे रिश्ते की बात शिवांगी के लिए कर रहे थे। हाँ, शिवांगी के लिए ही था, और किसके लिए? हे भगवान, विशेष हमें बताइए बात क्या है। हमें अब घबराहट होने लगी है। एक मिनट, हमने आपके लिए उस दिन यहाँ पर तस्वीर रखी थी, आपने खुद वो तस्वीर देखी, और आपने शिवांगी के लिए खुद हाँ कहा था, है कि नहीं? माँ, हमने शिवांगी की तस्वीर नहीं देखी थी। क्या आपने शिवांगी की तस्वीर नहीं देखी थी? तो इसका मतलब आपने शिवांगी के लिए हाँ नहीं कहा था? शिवांगी आपको पसंद नहीं है? माँ, यहाँ बात पसंद ना पसंद की नहीं है, हमें लगा कि आप उनसे हमारे रिश्ते की बात कर रही हैं। किसके लिए? किसके लिए? बोलिए ना, हमसे शादी करेंगी? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, नो, मेरा जवाब है नहीं। माँ, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब इन बातों का वक्त भी नहीं है। हम ये रिश्ता नहीं कर सकते,
I'm sorry, ma'am. हमें रोका रोकना होगा. ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब मजाक है क्या? वैसे ही सबके सामने जाकर अचानक से कह दे कि सब कुछ रोक दीजिए? और आपके कहने पर ही हमने शिवांगी के लिए हाँ कही थी ना? और फिर आप बात समझने की कोशिश कीजिए. ये अनन्या के ससुराल का मामला है बेटा. हम जुबान दे चुके. जुबान देने के बाद हम मना कर दें इस रिश्ते के लिए? ये हमसे नहीं होगा. माँ, हम बहुत शर्मिंदा हैं आपको इस सिचुएशन में डालने के लिए. लेकिन माँ, दबाव में रिश्ते नहीं बनते. और अगर दबाव में रिश्ते बनते हैं तो वो रिश्ते और उनमें बंधे लोग वो जिंदगी भर दुखी रहती. आपसे बेहतर ये बात और कोई नहीं समझ सकता. आप इस वक्त आप ही हैं जो ये सच बताकर हमारी और शिवांगी की जिंदगी बचा सकती. लेकिन अगर आज ये रिश्ता हो गया तो हम जिंदगी भर इस गलतफहमी की सजा भुगतते रहेंगे. हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त हम क्या करें. आपकी बात भी हम समझ रहे हैं. आपकी और हमारी बात इस वक्त कौन समझेगा? विशेष, आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है. आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं. हम इस वक्त बाहर जाकर बात करने की कोशिश करते हैं. हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे उनसे. अब आप ये रिश्ता नहीं चाहते हैं तो और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास. नहीं माँ, आप उनसे माफी नहीं मांगेंगे. माफी हम मांगेंगे. नहीं बेटा, आप रहने दीजिए. ये मामला बहुत नाजुक है. आपको अंदाजा नहीं है जब बाहर ये बात होगी तो कितना बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है. हमें संभालने दीजिए. नहीं माँ, अगर बाहर तूफान खड़ा होगा तो उसका सामना हम करेंगे, आप नहीं. ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है और सब कुछ हमें ही ठीक करना होगा. हमें माफ कर दीजिए माँ. क्यों दीदू? That's unbelievable. आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? नहीं, आज तूने मुझे जानना ही है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. अरे, लड़कियां सपने देखती हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग, कोई राजकुमार आए. और आपकी जिंदगी में वाकई कोई राजकुमार आ गया तो फिर क्यों? मैं और लड़कियों की तरह सपने नहीं देखती. मैं अपने सपने खुद पूरे करने की हिम्मत रखती हूँ. क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है और लड़कियों की तरह सोचने में? अपने सपने खुद पूरे करने की हिम्मत रखती हूँ. दीदू, इस घर को देखिए, हमारी सिचुएशन देखिए. दीदू, किस्मत खुद चल कर आई है आपके पास. वरना राजकुमार तो क्या, राजघराने की गाड़ी तक इस मोहल्ले से नहीं गुजरती. और वो आपके लिए इस मोहल्ले के हर दिन चक्कर काटते हैं. पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने अच्छे हैं विशेष जी, कोई बुराई नहीं है उनमें, तो फिर मना करने का रीजन क्या है? आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि अगर आप उनसे शादी कर लेंगी तो आप कितनी खुश रहेंगी और हम सब के लिए कितना अच्छा होगा? हम खुद कर लेंगे सब कुछ. मुझे तो ना समझ में नहीं आता कि आप इतनी उल्टी क्यों हो. अगर दुनिया पूरब चलेगी तो आप कहती नहीं, मैं तो पश्चिम चलूंगी. क्यों दे दूं? देख, जो करना था ना मैंने कर दिया. अब इसके आगे मैं तुझे कोई सफाई नहीं दूंगी.
दीदू एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। दीदू मेरी बात। आप ऑल ओके? वो आपने रोके की रस्म के बीच में बुला लिया बस इसीलिए। सब ठीक है ना विशेष? शिवांगी, माँ ने हमें हमेशा सिखाया है कि कभी किसी लड़की का दिल मत दुखाना, लेकिन आज हम वही करने जा रहे हैं। मतलब? हम आपसे जो कहने जा रहे हैं उसके बाद शायद आप हमसे बात करना तो दूर, हमें देखना तक पसंद ना करें। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते हैं विशेष? एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई शिवांगी, हम ये रोका नहीं कर पाएंगे। जानते हैं हम आपको बहुत तकलीफ होगी, पर हम क्या करें, आपको हमें जो सजा देनी है दे दीजिए। बट आई एम सॉरी, पता नहीं इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई, ना हम खुद समझ पा रहे हैं और ना ही किसी को समझा पा रहे हैं। जब हम यहां आए तो हमें पता चला कि हमारा रोका आपके साथ हो रहा है। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मतलब होगा आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन, आपके साथ धोखा करना, जो हम कभी नहीं कर सकते। जानते हैं तकलीफ होगी, बहुत होगी, लेकिन आज ये जो तकलीफ हो रही है ये जिंदगी भर की उस तकलीफ से कहीं कम है। आज नहीं, लेकिन शायद आने वाले वक्त में आप हमारी बात समझ पाए। जो भी हम आपके साथ कर रहे हैं उसके लिए माफी चाहते हैं। विशेष, वो क्या? विशेष भाई साहब, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। हम आप ही की फैमिली है, हमारी इज्जत आपकी इज्जत है। आपको दो बार सोचना चाहिए था, पहले तो आपने हमें इतना इंतजार कराया, खैर वो हमने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बात अब हमारी फैमिली की आन की है और आप कह रहे हैं सॉरी सॉरी बस। सुमेर बेटा, आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन विशेष को भी बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, वरना मम्मी जी, आप तो समझदार हैं, ऐसे कैसे गलतफहमी हो सकती है? हमने आपको कहा था बात पक्की कीजिए, आपने कहा विशेष से बात किए बिना आप पक्की नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अब तो सब कुछ पूछने के बाद ही हो रहा है ना, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश क्या है? और वो फोटो, वो तो शिवांगी की थी ना, भला उसे कोई क्यों बदलेगा? और इतने दिनों से घर में शॉपिंग हो रही है, शिवांगी का आना जाना लगा हुआ है, गलतफहमी की कहां गुंजाइश है यहां पे? और अनन्या, आप तो बड़े शान से कह रही थी कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या हुआ उन बातों का? कैसे कोई गलतफहमी हो सकती है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। हटिए सौरभ जी, आज ऐसी इज्जत उछालिए कि देवयानी भाभी अब अपनी नाक उठाकर कभी ना चल सके। बेटा, आप इन पर दोष मत लगाइए,
इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इतना गलत हुआ है ये कि हम कभी सोच सुमेर